मिर्जापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 7 क्विंटल अवैध गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताया गया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत आज माधव सिंह थानाध्यक्ष पड़री अपने हमराहियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार मोहनपुर पहाड़ी तिहारा के पास एक ट्रक पर कुछ अवैध सामान लदा है। पुलिस ने ट्रक को रोका तो 2 व्यक्ति ट्रक पर मौजूद थे। पुलिस को देखकर ट्रक से उतरकर दोनों भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने दोनों को घेर कर पकड़ लिया। दोनों से नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम गोविंद निवासी मेहता केड़ी थाना बड़वा जनपद खरगोन मध्य प्रदेश और दूसरा जमील खान निवासी सनावत थाना सनावत जनपद खरगोन मध्य प्रदेश बताया गया। पुलिस ने दोनों हिरासत में लेकर ट्रक की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान ट्रक से 7 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने दोनों को NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया है। मिर्जापुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। में एक बड़ी सप्लाई थी, ये सब क्या था पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार? देखिए, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल पड़री पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि एक ट्रक जो है MP13H0974 मोहनपुर पहाड़ी के पास से गुजर रहा है, उसमें गांजा या कोई नशीला पदार्थ रखने की सूचना है। उस टिप ऑफ के आधार पर पड़री पुलिस थाना की सक्रिय होती है तथा जनपद मिर्ज़ापुर, और जब सक्रिय होती है और चेकिंग करती है उसको, तो उसमें ऊपर दवाइयाँ रखी रहती, कीटनाशक दवाइयाँ रहती हैं, कुछ जैविक खाद भी रखी रहती है पैक करके, जिसका विधिक रूप से प्रथम दृष्टया देखने से लगा कि कागज़ वगैरह भी रखे हुए हैं GST का। लेकिन जब उसके नीचे चेक किया गया तो उसमें तमाम बोरों में भरे हुए गांजा मिला, जो सूंघने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांजा है। बाकी उसका जब वजन किया गया तो लगभग 8 क्विंटल के आसपास का गांजा बरामद किया गया है, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्केट वैल्यू है उसकी जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, और उसको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके साथ जो ट्रक मिला है उसके ट्रक के मालिक जो है भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, और उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन दोनों ने पूछताछ से बताया है कि ये माल आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से चल करके हिसार हरियाणा स्टेट जा रहा था, तथा इसमें जब वहाँ पहुँचते ही तो वहाँ पर जो है मालिक इनको जो है, जो ट्रक का मालिक है वो उनको बताता कि हमारा इस नंबर पर जाकर के वहाँ डिलीवरी कर दो, तो तदनुसार ये लोग उसी क्रम में जा रहे थे। लेकिन पुलिस की अच्छी एक सक्रिय सूचना पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 8 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। अच्छा सर, ये एक राज्य भी डाकते हैं, उसके बाद कई जिला इनको डाकना पड़ता है, क्या ये बताएं कि कैसे इनका सिस्टम बना था, ये इतने दूर तक कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्या कुछ कहानी बता सकता है, क्योंकि मेन मुस्लिम अभी तक फरार है। देखिए, अभी जो हमने अभी इससे पहले भी हमने कई NDPS एक्ट के तहत जो हमने गांजे पकड़े हैं उसमें भी हमें टिप ऑफ की सूचना के आधार पर हमने पकड़े हैं, तो कभी उड़ीसा से आ रहा था, कभी आंध्र प्रदेश से आ रहा था। तो अब ये चूंकि मार्ग पड़ता है, ये मार्ग पड़ता है इधर से जाने का, लेकिन हमारे टिप ऑफ थे, पुलिस की सक्रियता थी कि हमने पकड़ लिया है। निश्चित तौर से ये कभी छुप छुपा के निकलते होंगे, लेकिन यह है कि जब भी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलती है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई इसमें की जाएगी। कितने दिनों से सर ये लगे हैं, कुछ बता रहे थे कब से काम कर रहे हैं? अभी बता रहे हैं कि अभी तो ये जब भी मुलजिम पकड़ा गया है तो बता रहा था कि सर हम इससे पहले कुछ 2-3 बार और गए हैं, लेकिन इस बार हम पकड़े गए हैं और विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है।